का सीटीएच एजुकेशन है। आज हम लोग जो क्लास में प्रोग्राम किए हैं उसको अभी हम लोग एक्सक्यूट करके देखते हैं कंपाइलर पे कि जब हम लोग एक्सक्यूट करेंगे तो प्रोग्राम का जो आंसर आएगा वो स्क्रीन पे किस तरह का डिस्प्ले होगा। जो आज हम लोग प्रोग्राम किए हैं वो किए हैं दो मैट्रिक्स को कैसे हम लोग एडिशन करेंगे टू डायमेंशनल एरे का यूज करके। तो सी प्रोग्रामिंग का ये जो प्रोग्राम हम लोग अभी एक्सक्यूट करके देखते हैं। देखिए हम लोग जो है ना सबसे पहले ये देखते हैं कि ये प्रोग्राम हम पहले से करके रखे हुए हैं। इसका नाम हम रखे हुए हैं एड मैट्रिक्स मैट्रिक्स। तो ये देखिए आपके सामने प्रोग्राम हो गया जो हम लोग जिस प्रकार से क्लास में हम किए हैं ठीक उसी प्रकार से इस प्रोग्राम को यहाँ पे लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि हम इंटीजर प्रोग्राम बताए थे इंटीजर आई लिए हैं रो के लिए और जे लिए हैं कॉलम के लिए सारे मैट्रिक्स के लिए और एक मैट्रिक्स ए लिए हैं जो 3x3 का है और इसका एलिमेंट को हम लोग इंटर करेंगे। फिर एक मैट्रिक्स बी है जो ये भी 3x3 ऑर्डर का है और इसके भी एलिमेंट को एंट्री करेंगे। जब दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट को एंट्री कर लेंगे तो एक सी जो एलिमेंट हम लिए हुए हैं सी मैट्रिक्स ये क्या है वैकेंट है। वो किस लिए लिए हम क्योंकि ए और बी को ऐड करके हम जो मैट्रिक्स एक नया बनेगा वो किस में डाल देंगे हम लोग सी में डाल देंगे। तो सी को जो एलिमेंट्स होगा वही हमारे ए और बी के एडिशन का रिजल्ट होगा। यानी कि हमको जब लास्ट में प्रिंटिंग करना होगा तो क्या प्रिंट करेंगे सी प्रिंट करेंगे। उसके बाद देखिए क्लियर स्क्रीन फंक्शन है हमारे पास। उसके बाद में देखिए फॉर लूप हम बताए थे आपको प्रोग्राम में ही कि जो भी हम लोग फॉर लूप का जो यहाँ पे ब्लॉक बना रहे हैं वो 4 बार लगाएंगे इस ब्लॉक को और चारों का कॉन्सेप्ट सेम होगा फॉर का सिर्फ यहाँ पे चेंज होगा। देखिए ये जो है ना आपका यहाँ पे प्रिंट है प्रिंटर द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स फर्स्ट मैट्रिक्स और यहाँ पे स्कैन कर रहे हैं यानी कि इस फॉर लूप का यूज करके आप मैट्रिक्स ए का यानी फर्स्ट मैट्रिक्स के एलिमेंट को आप इंटर कर रहे हैं मेमोरी में। ओके उसके बाद जो है ना आपका देखिए यहाँ से जो है ना आपका मैट्रिक्स बी शुरू हो जाता है। ये जो है ना यहाँ पे फॉर लूप यहाँ शुरू होता है यहाँ से जो है ना आपका ये ब्लॉक हो गया मैट्रिक्स बी को एंट्री करने में। देखिए यहाँ पे प्रिंटेप लिखा हुआ इंटर द एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स और स्कैनएफ है तो यहाँ से फर्स्ट और सेकेंड दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट को हम लोग क्या कर लिए एंट्री कर लिए मेमोरी में। अब इसके बाद हम लोग क्या देखे थे कि जब ए और बी के एलिमेंट हमें मिल गया मेमोरी में तो उसको हम लोग ऐड कर लेंगे। तो एक बार फिर से हम लोग फॉर लूप लगाएंगे और उसके बाद जो हम लोग इसको एडिशन कर लेंगे। देखिए यहाँ पे जो ए फॉर लूप है यहाँ से ये जो है ना एडिशन कर देखिए यहाँ पे सी आई जे इक्वल टू ए आई जे प्लस बी आई जे यानी कि बी और ए को एडिशन करके कहाँ डाल दिए हम सी मैट्रिक्स में डाल दिए। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया एडिशन। अब इसके बाद हम लोग क्या करना है उसको सम करना है सम तो हो गया है उसको प्रिंट करना है। तो यहाँ पे देखिए प्रिंट एफ सम ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी इज इक्वल टू तो उसके बाद हमको जो है ना यहाँ पे प्रिंट एफ में देखिए यहाँ पे फॉर लगा के प्रिंट एफ परसेंटेज डी सी आई जे यानी कि यहाँ पे हमको फाइनली रिजल्ट मिल जाएगा। तो इसको देखिए हम लोग एक्सक्यूट करके देखते हैं यहाँ पे हम रन करते हैं। रन करने के बाद आपको देखिए हमको स्क्रीन पे आ रहा है इंटर द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स तो फर्स्ट मैट्रिक्स के एलिमेंट को हम इंटर कर रहे हैं और यहाँ हम शुरू कर रहे हैं नंबर 1 से 1 2 आप कुछ भी डाल सकते हैं 3 4 5 6 7 8 9। देखिए मैट्रिक्स ए 3x3 ऑर्डर का है तो वो 9 एलिमेंट ही एक्सेप्ट कर सकता है। उसके बाद देखिए इंटर किया हम तो मिला इंटर द एलिमेंट ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स तो मैट्रिक्स बी के एलिमेंट को हम 9 से शुरू करें 9 2 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 उसका था भी आप देखिए ये जो है ना हम लोग दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट को एंट्री कर लिए। अब इसके बाद हम लोग इंटर करेंगे तो मैट्रिक्स का जो हम लोग कॉन्सेप्ट वहां पे लिख दिए हैं प्रोग्राम में उसके अकॉर्डिंग इन दोनों एलिमेंट को एडिशन करेगा एडिशन करके फाइनल हमको रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। देखिए इंटर किए देखिए सम ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी इज इक्वल टू 10 10 10। देखिए जितने भी आपको एलिमेंट्स इसमें है 10 10 10 हम पहले मैट्रिक्स में 1 to 9 लिए हैं और सेकंड मैट्रिक्स में उल्टा कर दिया 9 to 1 ले लिए हैं। जब हम लोग एडिशन करेंगे तो पहला में 1 है और लास्ट में क्या है सेकंड का पहला कौन है 9 9 + 1 10 हो जाएगा। फिर पहले मैट्रिक्स का सेकंड एलिमेंट 2 है और सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड एलिमेंट 8 है तो 8 + 2 कितना होगा 10। तो ये लेने का मतलब क्या था कि आपका जो आंसर भी पता चले कि आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है। तो ये आपका रिजल्ट हो गया आपको स्क्रीन पे दिख रहा है और इससे संबंधित जो हम लोग क्लास किए हैं उसको भी हम यूट्यूब पे डाल दिए हैं और लोग कुछ
कंप्लेंट कर रहे थे, कमेंट भी करते हैं और बस कॉल करते हैं, इस तरह का वीडियो नहीं आ रहा। तो आप बताते हैं आपकी जानकारी के लिए कि जो भी वीडियो क्लास के माध्यम से लिया जा रहा है उसका रिकॉर्डिंग वीडियो जो है ना डीसीएस सॉफ्टवेयर पर सारे अवेलेबल हैं। आप वहां से जाकर नोट्स भी देख निकाल सकते हैं और आप वीडियो भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन ऐसा है जो छूट गया है या कोई क्वेश्चन पूछा गया है एसबीटी एग्जाम में और हम नहीं बताए हैं उस चैप्टर का, तो आप कमेंट में कमेंट करेंगे या मेरे व्हाट्सएप पे जो है ना मैसेज कर देंगे कि सर ये क्वेश्चन जो है ना हम लोग को बता दीजिए, तो क्वेश्चन का वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करने का प्रयास किया जाएगा।